सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ऐसे डिफाइन करेंगे कि वेन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म a straight angle, then adjacent angles are called linear pair of angles। देखिए, जैसे आप देखिए कि हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, एक ए, ये ओ और ये दूसरा बी। यहाँ से एक मैंने ऐसे मिला दिया आपका सी। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ए ओ सी और दूसरा बन रहा है बी ओ सी। पहला बन रहा है आपका ए ओ सी और दूसरा बन रहा है बी ओ सी। आप देखो इन दोनों एंगल्स में ये वाला साइड जो है ओ सी है ना, ओ सी जो है इसको बोलते हैं कॉमन आर्म, ठीक है। ये दोनों में है, ओ सी दोनों में। देखो इस एंगल को भी बना रहे हो उसमें भी ओ सी है, इस एंगल को बना रहे हो उसमें भी ओ सी है, ठीक है। तो ओ सी दोनों में है, तो ये कॉमन आर्म हो गया। और ये दोनों जो हो गया आपका ओ ए और ओ बी, इनको कहा जाता है नॉन कॉमन आर्म्स कहते हैं। ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है। तो अगर आपका नॉन कॉमन आर्म्स, ये दोनों एंगल जो हैं बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के क्लोज में हैं, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? वैसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो। देखिए इस एंगल का वर्टेक्स भी ओ है और इस एंगल का वर्टेक्स भी ओ है, दोनों का वर्टेक्स ओ और दोनों में एक साइड कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों कहलाएंगे आपका लीनियर, ये एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन होता है? तो एडजेसेंट एंगल जिसका ये नॉन कॉमन आर्म है, जो ये नॉन कॉमन आर्म जो है ये एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, नो डाउट, ठीक है। जिसमें ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स हुआ, बट ये नॉन कॉमन आर्म है जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के इस तरह से हैं कि एक सीधी लाइन बन जा रही है, तब इन दोनों एडजेसेंट एंगल को कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल ही बन जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब? जब ये नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन बना दें, और जिससे ये टोटल का टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स को कहेंगे है ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, और सभी का सम जो होगा आपका कितना होगा? सभी का सम आपका 180 डिग्री होगा। जैसे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ए ओ और ये आपका बी स्ट्रेट लाइन, और इस पर हमारा एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जितने एंगल बन रहे हैं सब लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ सी, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुआ। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर ए ओ बी सी डी, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और स्ट्रेट लाइन पर जितना एंगल बन रहा है ये सभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। जिसमें कौन कौन हो जाएगा? ए ओ डी डी ओ सी और बी ओ सी डी ओ सी या सी ओ डी और ए ओ डी, ये सभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, बिकॉज ये सभी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, तो सभी एंगल्स को कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, राइट। चलिए अब आइए, यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये है इसके अंदर कि यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए तो और भी एग्जांपल इस पे लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा? ये स्ट्रेट लाइन हो गया, पी हो गया, ये क्यू हो गया, ओ, ये आपका आर एस टी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और जितना यहाँ एंगल बन रहा है पी ओ आर, एंगल पी ओ आर
फिर ये एंगल ROS, फिर ये एंगल SOT, फिर ये एंगल TOQ, ये सभी के सभी क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। ये सभी के सभी जो हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग आएंगे आगे सीखते हैं लीनियर पेयर एक्सिम के बारे में जानते हैं। क्या होता है लीनियर पेयर एक्सिम, समझिए, लीनियर पेयर एक्सिम, ठीक है, LPA। लीनियर पेयर एक्सिम क्या कहता है, लीनियर पेयर एक्सिम कहता है कि इफ अरे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लाइन ऑन ए लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ये क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये करा आपका कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, नाम मैं उसका AOB कर देता हूँ, और इस पर एक रे आके स्टैंड कर रही है, एक रे जो है किरण आके यहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो पी तो आपको ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले यहाँ लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन में लिखाएगा आपका कि एक रे है जिसका नाम है OP, एक रे है, ठीक है, और स्टैंडिंग खड़ी है वो, है ना, ऑन ए लाइन, लाइन का नाम है AB या AOB, कोई भी लिख सकते हैं, और एंगल बना रही है सच डैट, इस तरह से एंगल बन रहा है यहाँ पर AOP और BOP, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, आर फॉर्म्ड, ये दो एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं, और कभी कभी प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, गिवन के बाद लिखना होता है कि क्या हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का, यानी कि AOP और ये BOP कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। अब जो है कभी कभी प्रूफ करने के लिए कुछ आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना होता है, कुछ अलग से इसमें स्ट्रक्चर लेना होता है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट में जो है यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे ये इस लाइन पर, ठीक है, परपेंडिकुलर OC कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OC परपेंडिकुलर लाइन AB। ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री, इधर भी आपका 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना होता है, इसके बाद हमें लिखना होता है प्रूफ। इतना करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ और अब हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया मतलब ये 90 डिग्री, यहाँ सीधे लिखेंगे प्रूफ में OC परपेंडिकुलर है AB पर, ये परपेंडिकुलर है मीन्स इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यानी कि AOC या COA या BOC या COB ये दोनों आपस में सेम होंगे और दोनों की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब आप देखिए दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, अब आप यहाँ देखेंगे कि AOP, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं AOP का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया इस तरह से, देखिए तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, हम यहाँ पर पहले इसको लेकर चलते हैं, AOC को 90 डिग्री ले लेते हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, इसको हम लेकर चलते हैं AOC इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग क्या, एंगल POC दोनों तरफ ऐड करें टू बोथ साइड,
दोनों तरफ पीओसी ऐड कर रहे हैं, तो एओसी में इधर भी पीओसी आ जाएगा और इधर भी पीओसी आ जाएगा, तो एओसी ये और उसी में ऐड हो गया पीओसी, यानी कि ये इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दिए तो ये आपका टोटल हो गया, ऐसे ये हो जाएगा एओपी, यहाँ हो जाएगा 90 प्लस एंगल पीओसी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस एंगल पीओसी हो जाएगा। अब इसको हम वन मान लेते हैं, इसको एंगल वन मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये इस वाले पार्ट से इसको दूसरा पार्ट जो है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसमें हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग एंगल पी ओ सी, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बोथ एंड, दोनों साइड से, बोथ साइड, दोनों साइड से पी ओ सी माइनस कर रहे हैं, तो ये बी ओ सी में से चला जाएगा पी ओ सी, यहाँ 90 में से चल जाएगा पी ओ सी, तब ये बी ओ सी पूरा का पूरा है, ये बी ओ सी ये हुआ और उसमें से ये वाला एंगल चला गया, ख़त्म हो गया, तो ये रह गया केवल, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ओ पी और यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ सी, इक्वेशन टू। अब हम बड़ी आसानी से 1, 2 को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, ए ओ पी ऐड बी ओ पी ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, इसको भी प्लस कर दीजिए, 90 प्लस पी ओ सी प्लस प्लस 90 माइनस एंगल पी ओ सी, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ हमारा आ गया एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी 90 90 180, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही था ना स्टार्टिंग में हमारा, ये ए था, ओ था, ये बी था आपका, बी था ये, और यहाँ इस तरह से, ठीक है, कि ये पी, ये तो प्रूफ करना था कि ये एंगल और ये एंगल आपका 180 डिग्री होता है, तो यहाँ हमारा ये प्रूफ हुआ स्टूडेंट, ठीक है ना, हैंस प्रूफ्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने लिनियर पेयर एक्सिम को प्रूफ किया यहाँ पर, अगले वीडियो में इसका इन्वर्स प्रूफ करेंगे, देन इस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।